तो गाइस आज ना सुबह सुबह ये वाली रेसिपी मतलब बहुत ही हेल्दी सी रेसिपी, खूब सारी सब्जियों के साथ मैंने ये वाली रेसिपी तैयार की है, क्योंकि इसमें मैंने जो चीज़ डाली है ना वो एक्चुअली जो रेसिपी बनती ना वो बनती फास्ट में, लेकिन मैंने यहाँ पर बनाई है ऐसे नॉर्मल डे के लिए। इसमें डाल दिया प्याज और मिनी सोया चंक्स, इसको मैंने थोड़ा सा भिगो लिया था 15-10 मिनट। भिगोने के बाद इसको मैंने यहाँ पर भून लिया, थोड़ी सी हरी मिर्च डाल दी थी है मैंने इसमें, और इसको अच्छे से भूनने के बाद हम इसमें ऐड कर देंगे बाकी सब्जियाँ। सब्जियों में डाला है गाजर, थोड़ा सा शिमला मिर्च है, गाजर जैसे कुक हो जाए उसके बाद मैं डालूंगी शिमला मिर्च, और थोड़ा सा टमाटर है। बहुत सारी सब्जियों के साथ इसको बनाएंगे तो बहुत स्वाद देगा गाइस। तो ये मैंने बारीक कटे हुए शिमला मिर्च और टमाटर को डाल दिया है, और इसको भी हम भून लेते हैं जब तक ये कुक होता रहता है। हम यहाँ पर बाकी की चीज़ों की तैयारी कर लेते हैं। इसमें डालेंगे नमक, मैं यहाँ सिर्फ नमक डाल रही हूँ, नमक भी मैंने अभी थोड़ा सा कम ही डाला है, वो इसलिए कि सब्जी जल्दी से पक जाए। अभी सब्जी पक चुकी है, लगभग इसको 2 मिनट के लिए कवर कर दिया मैंने, फिर उसके बाद इसको मैंने निकाल लिया। अब उसी पैन में मैंने डाला थोड़ा सा तेल और थोड़ा सा कड़ी पत्ते से इसको मैं तड़का दे रही हूँ। साथ में मैं डाल रही हूँ राई के कुछ दाने। तो एक्चुअली ये वाली जो ये तड़का है ना वो सब्जी बनने से पहले डाला था, मैं भूल गई थी, तो फिर मैंने इसको दोबारा से इसको तड़का तैयार किया है। अब इसमें मैं डाल दूंगी भिगोए हुए साबूदाना, तो जो भी साबूदाना को मैंने भिगो लिया था उसको मैं इसमें ऐड कर दूंगी, जिससे कि अच्छे से मिक्स हो करके तड़के में अच्छे से भुन जाए, जिससे चिपके भी नहीं। इसको मैंने पहले ही आधे घंटे पहले भिगो लिया था, नॉर्मल से वाटर पर भिगोया था, अभी थोड़ा सा भीग चुका है, मैंने इसमें डाल दिया। अब करेंगे ये कि जो सब्जी हमने भून के रखी थी ना वो इसमें ऐड कर देंगे, और हमारी रेसिपी लगभग तैयार ही होने वाली है। ऊपर से मैंने डाल दिया है यहाँ पर मूंगफली जो मैंने हल्का सा भून के रखा था, इससे भी स्वाद बहुत आएगा और हेल्दी भी होगा। दोस्तों ये वाली रेसिपी एक बार पहले ही मैं शायद अपलोड कर चुकी हूँ, फिर से मैं इसको अपलोड कर रही इसलिए कि काफ़ी लोगों ने नहीं देखा होगा, और बहुत ही हेल्दी सी रेसिपी गाइस। इसको खाएंगे तो सुबह अगर ब्रेकफास्ट में इसको ले लिया ना तो दिन भर हमें किसी चीज़ की ज़रूरत नहीं होगी, इतना हेल्दी और हैवी हो जाता है। और उसको डाल देंगे कुछ बूंदे नींबू के जो कि स्वाद को और बढ़ाएगा। बस होगी हमारी रेसिपी तैयार। नमक इसमें चेक कर लेंगे कि नमक कम तो नहीं है, अदरवाइज़ मैं थोड़ा सा कम ही नमक लेती हूँ, तो मैंने यहाँ पर कम ही डाला है। तो रेसिपी अच्छी है तो लाइक शेयर सब्सक्राइब। बाय।